First class. Yes. Mm-hmm. This way. Your seat is 1C. Thank you. Welcome, sir. Hello, hello. How are you? First time, first Excuse class. Me? Coat, please. Okay. Excuse me. Yes. Yeah, आप वापस करेंगे ना? Sure, sir. Okay. Hi. नमस्कार. May I help you? नमस्कार. Help you? आप लोगों की सीट उधर है. हम लोग साथ में हैं. जी हाँ, साथ में हम लोग. नहीं नहीं, आप लोगों की टिकट्स इकोनॉमी क्लास की हैं और इकोनॉमी क्लास पीछे है. हम लोग टैक्सी में साथ में आए हैं. एक ही टैक्सी में आए हैं. अब आगे हैं हम, पीछे हैं. इसका मतलब पीछे चले जाएंगे. नहीं, पर ये फर्स्ट क्लास है और इकोनॉमी क्लास पीछे है. प्लेन में थर्ड क्लास को इकोनॉमी क्लास बोलते हैं. करेक्ट, यू आर राइट. वेरी गुड. तो पीछे है ना? हाँ जी, पीछे है. ओके, थैंक यू. ये फर्स्ट क्लास है? हाँ, फर्स्ट क्लास. ओके, बादशाह को फर्स्ट क्लास और अपने को थर्ड क्लास. इससे तो अच्छा राजधानी एक्सप्रेस है यार. हेलो, एक्सक्यूज मी सर, चॉकलेट्स प्लीज. फ्री हैं? यस. ओके ओके, बाद में और लाइएगा. आप बैठो. सॉरी. अभी समझ में आया कि लोग प्लेन में सफर क्यों करते हैं. क्यों? यहाँ पर टीटी लड़कियां होती हैं. नहीं नहीं, ये एयर हॉस्टेस है. टीटी तो वो है. कमाल है, टीटी यहाँ चॉकलेट बेचता है. वेफर भी होगा. नहीं, एक्सक्यूज मी, आप अपना सामान ऊपर लॉकर में रख दीजिए. सामान ऊपर रखेंगे तो सोएंगे कहाँ? ये ट्रेन के सोने की बर्थ नहीं, लॉकर है. यस सर. प्लेन को स्टेशन पर रुकेगा ना, तो जरा चाय वालों को भेज देना. देखिए, आप लोग कुछ देर रुकिए, चाय भी मिलेगी और नाश्ता भी मिलेगा. नाश्ता? नहीं नहीं, वो क्या है, हमारा बॉस जो फर्स्ट क्लास में बैठा है, पैसे उसके पास हैं. सर, पैसे की कोई बात नहीं है, यहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है. फ्री में मिलता है? फ्री में मिलता है, फ्री में. ऐसा कीजिए, नाश्ता जो है उसको पार्सल करके ले आइए, और ये टिफिन का जो खाना है उसको तवे में गरम करके ले आइए. हमारी मम्मी ने बड़े प्यार से बनाया है. आप लोग भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं. दैट्स वेरी गुड. मैं मजाक किसी लाइफ में रखा क्या है? मैं तो कहता हूँ, अगर लाइफ में मजाक. ये कौन है यार? लगता है पहली बार प्लेन से जा रहा है. अच्छा अच्छा, मुझे सीबीआई चीफ ने भेजा है. अरे ये क्या है? ये फूल आपके लिए. फूल? डॉक्टर साहब भी खाम का तकल्लुफ करते हैं. देखिए, आप जब उनसे मिले उनसे कहिएगा मैंने कहा है कि वो डॉक्टर नहीं, भगवान है. आप यहाँ बैठिए ना. नहीं, मेरी सीट पीछे है. अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट. ओके, ऑल द बेस्ट. क्या हुआ मोती? सीबीआई वालों ने हमें बेवकूफ बनाया. हमने किसी गलत आदमी को मार दिया है. असली बादशाह जिंदा है. क्या? उसके साथ सीबीआई का और एक आदमी है. But you don't worry. उन दोनों को मैं खत्म कर दूंगी. Are you sure? Yeah. Okay? Go. बादशाह की जान खतरे में. May I help you, sir? No, thank you. Sure. अगर तूने बादशाह के साथ कोई गेम खेलने की कोशिश की, मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा, समझे? जब तक ये प्लेन लैंड नहीं होता, तब तक तू इस बाथरूम में बंद रहेगा, समझा?
लगता है ये टकलू उन किडनैपरों से मिला हुआ है। Excuse me. Thank you. मेरे पास है। Can I sit here? मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? Of course. Thank you. Please. Thank you. Sit down. Be my guest. समोसे में आलू। आपका नाम क्या है? रानी। ओ, मैं बादशाह। रानी, बादशाह, बादशाह, रानी। I love it. वैसे आप जा कहाँ तक रहीं? एक मिनट, मैंने ड्रिंक पिया नहीं है। I'm sorry. नहीं, right one is mine. It's the right one, ma'am. No, no, no. I think left one is mine. Left. The left one. No, no. It's. एक मिनट, एक मिनट. ये left और right glass का केस मैं सॉल्व कर देता हूँ. देखिए, आप मेरे लेफ्ट में बैठी हुई हैं और मैं आपके राइट में बैठा हूँ, लेकिन जहाँ पर ये खड़ी हैं वहाँ से आप इनके राइट में बैठी हैं और मैं इनके लेफ्ट में बैठा हूँ। कुदरत का करिश्मा ये है कि राइट वाला लेफ्ट वाली चीज पहले उठाता है। राइट सर। ठीक है, तो लेफ्ट वाला राइट से उठाकर राइट में रखेंगे और राइट वाला राइट से उठाकर लेफ्ट में रखेंगे, इसलिए लेफ्ट वाला राइट में चला गया और राइट वाला लेफ्ट में चला गया। और क्योंकि राइट हैंड वाला आदमी लेफ्ट हैंड से चीज उठाता है, इसलिए लेफ्ट वाला राइट से उठाकर लेफ्ट में रखेंगे और राइट वाला राइट से उठाकर राइट में रखेंगे। राइट सर। तो फिर आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना, गो गो, जाइए। केस सॉल्व हो गया। हो गया। Excuse me, शायद ये right side वाला glass मेरा है। यही तो मैं भी सोच रहा था कि right वाला आपका है, left वाला मेरा है। Actually, you are right. Cheers. Thank you. Cheers. क्या हुआ? काम हो गया, मैंने दोनों को खत्म कर दिया। Very good, darling, I'm proud of you. Excuse me. मेरे ख्याल से राइट वाला ग्लास ही आपका था। आपका कोई जुड़वा भाई है? नहीं तो मेरा भी नहीं। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाय, आप लोग इस शहर में पहली बार आए? मैं तो रोज प्लेन में आता जाता रहता हूँ, कहीं घूमना हो तो मुझे बताइएगा। अरे बादशाह भाई, अरे एक मिनट, बादशाह भाई, बादशाह भाई, बादशाह के साथी भी हैं। अरे अरे, सब सो क्यों गए? किसी ने जहरीली गैस तो नहीं छोड़ी? खबरदार, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं आप एक आदमी सर, चीफ ने मुझे भेजा आपको लाने के लिए। तो फिर तुमने गोली क्यों चलाई? इसलिए कुछ लोगों ने आपको पहचान लिया। मिस्टर बादशाह। बादशाह? टॉम अंकल, जरूर कुछ गड़बड़ है। बादशाह नाम से ये बहरूपिया यहाँ क्यों आया है? तुम इसे जानती हो? इसका नाम राज है और ये एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। चलिए, लेट्स गो। मैं मालूम करती हूँ कि ये बादशाह बनकर क्यों आया है। अरे भाई साहब, मेरा लगेज तो अंदर ही रह गया। चलिए ना। शिट, अगर चीफ को पता चला कि हम बादशाह को खत्म नहीं कर सके तो चीफ मुझे खत्म कर देगा। समझ में नहीं आता बादशाह भाई किसके साथ चले गए। अरे यार, जरूर वो चीफ का आदमी होगा। अच्छा हो गया बादशाह भाई खतरे से निकल गए। लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? अरे वो क्या, महेंद्र सेठ का ड्राइवर खड़ा है। वांट ए बंदोबस्त, कम ऑन, लेट्स गो। टकलू साला,
मुझे देख रहा था घूर के। मैंने भी देखा, ए क्या देखते बे? वो देखते रह गया और मैं निकल के आ गया। लल्लू समझ रखा था अपने को। हेलो, मैं सुलेमान बोल रहा हूँ। हाँ सुलेमान, क्या हुआ? बादशाह और उसके साथियों को एयरपोर्ट से लेकर आए? बादशाह तो एयरपोर्ट से ही किसी और के साथ में चला गया। मैं उसके साथियों को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, बादशाह किसी और के साथ चला गया है। अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। लेकिन ये नहीं जानता कि किडनैपर हम हैं और सेठ की बच्ची हमारे पास है। जीजा, ये 2.5 फुट की बच्ची ने हमारी जिंदगी हराम कर रखी। सोचिए वो 6 फुट का बादशाह हमारा क्या हाल करेगा। यहाँ हम आपको वो चीजें देंगे जो आपको मिशन में काम आएंगी। अच्छा अच्छा, आइए आइए। ये है हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के जीनियस मिस्टर रूसी। हेलो। और ये है मिस्टर बादशाह द ग्रेट मैन। यू नो मी? ऑफ कोर्स, सुना बहुत है लेकिन देखा पहली बार। क्वाइट अ यंग फेलो। आइए, आज मैं तुम्हें ऐसी खास चीजें देना चाहता हूँ जिन्हें बनाने में मुझे 25 साल लगे हैं। और ये है मेरी 25 साल की मेहनत। ये टॉफी टॉफी ये मामूली टॉफी नहीं है। नहीं। इसे यूं खोला, खाया, चबाया और फिर इस रैपर में डाल के यूं फेंका। किसी को शक भी नहीं हो सकता कि तुम्हारी जेब में टॉफी बम है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओह, ये देखिए जूते। ये भी फूटेंगे क्या? फूटेंगे नहीं, चिपकेंगे। ये देखिए। कमाल है, जूते हैं या छिपकली। स्मार्ट मैन, क्या नाम दिया है, छिपकली जूते। नेक्स्ट। थैंक यू। ओके, ये देखिए गॉगल्स। ये एक्सरे गॉगल्स हैं। पहन के देखिए। हाँ, ऑलराइट। पहन के देखिए। पहन के। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, प्लीज ले ले। देखा कैसा लग रहा है? अच्छा है। है ना कमाल का चश्मा? हथियार काफी बड़ा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, दुश्मनों के छिपे हुए छोटे छोटे हथियार भी आपको साफ नजर आएंगे। वेरी गुड। लिली, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ओए मजा आया। हाँ, ये फुल्ली गैजेटेड कार मैंने खास आपके लिए बनाई है। ओनली फॉर यू। मेरी है? हाँ, सिर्फ आपके लिए। आपका मतलब मैं इसमें बैठकर जा सकता हूँ? कहीं भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। एक्चुअली यू नो, ये जो सब कमाल की चीजें आपने मुझको दिखाई, ये गाड़ी और सब, इन सबको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मामूली वर्कशॉप है। ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही बड़ी CBI की वर्कशॉप है। अरे लगता क्या है, ये CBI का वर्कशॉप ही तो है। और आप CBI के ऑफिसर हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो CBI ऑफिसर हैं। नो, ये गाड़ी और ये सामान एक्सेप्ट करने से पहले मैं एक बात और साफ साफ बता दूं कि मैं CBI ऑफिसर नहीं हूं, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। व्हाट, ये क्या बकवास कर रहा है? सर, ये सीक्रेट मिशन पर हैं और अपने आप को छुपा रहे हैं। I see, I'm sorry, my mistake, मुझसे गलती हो गई। आप CBI ऑफिसर नहीं है। हाँ, और मेरा नाम है बादशाह। बादशाह। अब ये केस भी आप उसी तरह सॉल्व कीजिए जिस तरह आपने झुनझुन वाला केस सॉल्व किया। आप लोगों को मेरे झुनझुन वाला केस के बारे में मालूम है? सारी दुनिया जानती है, इट इज एन ओपन सीक्रेट। ये देखिए अखबार में भी आ गया है। मैं आपको इस गाड़ी की खूबियों के बारे में बताऊंगा। 80 करोड़ रुपए का धनलक्ष्मी बैंक घोटाला केस सुलझा। अभियुक्त झुनझुनवाला बाप बेटे CBI द्वारा गिरफ्तार। वो बाप बेटे थे, यानी सीमा उनकी बेटी नहीं थी, बैकलाइट थी। समझ में आया? अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। गुड। और बाय द वे, अगर आप सीमा से मिले तो उसे मेरी तरफ से सॉरी कह देना। सीमा को सॉरी? कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आ जाता तो आज उसकी जगह पर तुम होते।